गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेजुट फूड रेसिपी। आइए आज हम बनाएंगे एलोवेरा की दाना मेथी के साथ सब्जी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। डियर फ्रेंड्स, एलोवेरा की सब्जी बनाने के लिए हमने ये ली है एलोवेरा की पत्तियां। ओवरनाइट हमने मेथी को सोक किया है, भीगी हुई मेथी। एक कटोरी हमने ली है हरी मिर्च कटी हुई, एक हमने लिया नींबू, राई, ये सरसों के सीड, जीरा, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, हींग और ऑयल। फ्रेंड्स, एलोवेरा की सब्जी बनाने के लिए हम एलोवेरा की पत्तियों के एक कांटे वाला भाग उतार देंगे। इसके ऊपर से ये ग्रीन वाला पत्ता है वो उतार देंगे, क्योंकि इसका ये कहते हैं येलो वाला भाग जो है वो नहीं खाना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, इसका हमने ग्रीन वाला भाग निकाल दिया है, अंदर का ये हमारे पास गुद्दा आ गया है, इसको हम कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, एलोवेरा को हमने काट लिया है, इसको हम एक भगोने में पानी लेंगे, उसके अंदर डाल लेंगे और एक उबाल आने तक इसको पका लेंगे। फ्रेंड्स, कढ़ाई को हमने फ्लेम पे गर्म किया है, इसमें हम डालेंगे ऑयल, इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाएगा, इसको गर्म होने देंगे। हो गया है, इसमें हम डालेंगे हींग, सूखी हींग डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे इसमें जीरा, जीरे को हल्का ब्राउन होने तक देंगे। इसमें हम डालेंगे अब राई, राई को चटकने देंगे। की है, इसमें हम भीगी हुई मेथी डालेंगे। मेथी को थोड़ी देर पकाएंगे। फ्रेंड्स, मेथी को पकाते हुए थोड़ी देर हो गई है, इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे, वन टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें बॉईल वो बाल आ चुका है, इसको हम छान लेंगे और इसका पानी हम सारा निकाल देंगे। फ्रेंड्स, एलोवेरा हमारा तैयार है, इसको हम मेथी के अंदर डालेंगे। टेस्ट के अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट पकने के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। सब्जी पकते हुए हो गए हैं, इसमें हम एक नींबू का रस डालेंगे, इस रस को अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर ढक्कन लगा के इसको हम छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, थोड़ी देर ढक्कन लगाने के बाद इसमें नींबू का रंग अच्छे से ऑब्जर्व हो गया है, अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। अपने आप में ये बहुत ही हेल्दी सब्जी है और टेस्टी भी है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। डियर फ्रेंड्स, हमारी एलोवेरा की दाना मेथी के साथ सब्जी बनके तैयार है। इसको आप परांठे के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। 3 से 4 दिन तक इसको आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं।
तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।